हाय दोस्तों आज हम सीखेंगे किस तरह ऑटो की बैटरी चार्ज होती है या ऑटो की बैटरी नहीं चार्ज होती है नहीं चार्ज हो तो क्या करना चाहिए और चार्ज अगर हो रही है कम चार्ज हो रही है ज़्यादा चार्ज हो रही है किस तरह क्या चेक करें और पावर स्टार्ट कहाँ से होता है आज हम बहुत कुछ सीखेंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली लास्ट तक का तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चाहे बी एस रहे चाहे बी एस रहे या बी एस रहे आप सारी गाड़ी का काम आराम से कर सकते हो आपको तो मालूम ही होगा अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज ना करे तो उसमें कोई डी टूल काम नहीं आता है ना डी टूल काम आएगा ना ओ काम आएगी और मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि आप मल्टी मीटर की मदद से भी आप चेक कर सकते हो गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है और इसके बिना भी किस तरह आप चेक कर सकते हो मैं वो भी आपको बताऊंगा मैं और दोस्तों का मेरी आवाज़ कम आती रहेगी भाई तो उसके लिए सॉरी क्योंकि अपन माइक नहीं डायरेक्ट फ़ोन से बात मतलब वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है सर आपको आवाज़ मेरी कम आती रहे और दोस्तों कमेंट करना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और बहुत से बंदे लोग यार वीडियो देखते पर वीडियो को लाइक नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई तो करो करो भाई तुम्हार तुम्हारे इतनी मेहनत से वीडियो लाता हो तुम्हारी नॉलेज के लिए भाई तो दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के अंदर स्टार्ट हम करेंगे चार्जर चार्जर से नहीं हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट कॉइल से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह क्या क्या होता है मैग्नेट कॉइल में किस तरह वो चार्ज होती है किस तरह वो जब खराब होगी तब क्या होता है ओवर चार्ज किसे कहते हैं हाँ ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ मैं जैसे कि ये हमारा मैग्नेट कोयल है खोल लेते हैं हम और ये मैग्नेट कोयल है बी सिक्स की है आप देखोगे ये मैग्नेट कोयल बी सिक्स की है और एक चीज मैं बता चाता, बता चलो आपको मैं कि आप बजाज की भी अगर मेड कोइल लेंगे ना तो उसके अंदर ये फ्लैश की मतलब में मेड कोईल आती है बजाज का बॉक्स रहता है उसमें फ्लैश की में, फ्लैश की मैंगड को आती है और इसकी कीमत है पंद्रह सौ पंचानवे रुपया ये आप देख सकते हो आज तो बड़े बड़े अक्षर में दिखाई दे रहा है आप पहचान सकते हो इसकी एम आर पी कितनी ये एम आर पी पंद्रह बट ये आपको दुकान में समथिंग साढ़े बारह सौ में मिल जाएगी और एक कॉइल में आपको और दिखाता हूं ये कॉइल है बी एस थ्री की बी एस थ्री बी एस फोर लगभग दोनों गाड़ी में सेम ही कोयल लगता है बस खाली टाई का फर्क रहता है जैसे कि ये बी एस थ्री की नहीं भाई बी एस फोर का ये है जो टाई दिख रही है आपको ये सब बी एस फोर में लगी रहती है और जिसमें टाई ना हो जिसमें ये वार छोटा रहो, ये लेंथ लंबी रहे थोड़ी यहाँ यहाँ ये यहां पे रहे तो वो अपनी बी एस थ्री की रहती है ओके अब ये दो कॉइल हमारे पास है एक बी एस सिक्स की है एक बी एस सॉरी बी एस सिक्स की एक बी एस फोर की है हा और लगभग बी एस की भी ऐसी कॉल होती है और इनमें अट्ठारह कॉयल होती है और आज हम सीखेंगे बी एस सिक्स में कितनी कॉल होती है थी? मैंने भी कभी गिना नहीं हूं मुझे फोर का तो पता है इसमें अट्ठारह कॉल रहती है पर इसमें कितनी कॉल है से स्टार्ट करते हैं यहां से ही व्हाइट वाले से वाइट को छोड़ दे पहले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्तर अठारह इसमें भी अट्ठारह कॉयली होती है ओके और इसको चेक करने का तरीका और एक चीज मैं आपको और बताऊ वीडियो के अंदर कि हम इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बी एस सिक्स में क्या बी एस फोर का चार्जर लग सकता है ये चीजें बताऊंगा मैं आपको क्योंकि बी एस सिक्स का जो चार्जर होता है वो समथिंग इतना बड़ा होता है बी एस फोर का जो चार्जर होता है वो लगभग इतना इसके सामने छोटा होता है और जो अपना सबसे ओल्ड का था चार्जर वो लगभग इतना छोटा होता है देख रहे हो तो क्या इत, इस, इस बड़े की जगह चाहे ये कोई या ये छोटा कोयल या बी एस थ्री या बी एस जगह ले सकता है यह चीज भी हम सीखेंगे वीडियो के अंदर ओके दोस्तों तो अब आते हैं सबसे पहले चेक करने के लिए कि जो मैग्नेट कॉइल है ये खड़े गाड़ी में मतलब बिना स्टार्ट करे हम कैसे पता चले कि यह कॉइल अच्छी है या खराब है या ये जल गई है ये चीज हम चेक करेंगे पहली चीज और इसके अंदर करंट आता कौन सा है ये चीज़ भी जानना जरूरी है इसके अंदर करंट आता है एसी पावर एसी मतलब समझ सकते आप जो हमारे घरों में बिजली यूज होती है ना एसी, इसके अंदर वो एसी पावर आता है और ये जो एसी पावर आता है ये जाता है इस चार्जर के अंदर जो इसे कन्वर्ट करता है डीसी पावर के अंदर ओके दोस्तों ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता ही नहीं एसी डीसी क्या होती है एसी मीस जो घर की वायरिंग होती है वो एसी होती है और जो हमारे गाड़ियों में होती है वो डीसी पावर होती है इसलिए हमको डीसी करंट कभी कर लगता नहीं है बट इसके अंदर एसी पावर आके डीसी में कन्वर्ट होती है तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है जैसे कि हमने इसको बीप के साउंड पे लगा दिए ओके दोस्तों आपको ये पता ही है जब कोई वार कहीं ब्रेक रहेगा तो ये साउंड आएगी ऐसी साउंड आती है सॉरी जब वार ब्रेक रहेगा टूटा रहेगा ऐसी साउंड नहीं आएगी और जब ये साउंड आएगी मतलब वहां सही है तो इसी से किस तरह चेक करना है कॉइल हम वो सीखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए ये बी एस की कॉइल है ये इसकी सॉकेट है अब ये सॉकेट में क्या होता इसमें है इसमें अट्ठारह कॉइल है है ना छ के छ छे, चुमार अट्ठारह एक तार में छह कॉइल काम करती है जैसे कि कितना इसमें एक पीला का एक पीला कॉइल है एक, एक वायर पीले का फिर दो वायर तीन वायर तीन वायर तो एक बार में छह कॉल होती है तो एक तार में छे दो में बारह तीन में अठारह कॉल होती है ओके दोस्तों और अभी हम चेक करेंगे इसको सबसे पहले हमको क्या चेक करना है इसके बार टूटे तो नहीं है पहले हमें वो चेक करना है तो वो चेक का तरीका क्या है हमने इसके अंदर लगा दिए कुछ इस तरह से एक में ये लग गया हाँ दोस्तों अब दूसरे में लगाएंगे एक साउंड आएगी आई आए? इसका मतलब वार सही है अब तीसरे में लगाएंगे तीसरे में भी आई मतलब सही है अगर ऐसा लगाने पे साउंड ना है, हमने लगाए साउंड नहीं आ रही चाहे दो में आ रही है पर तीसरे में नहीं आ रही है या तीनों में नहीं आ रही तो वो केस में ये समझना कि जो इसके वायर होंगे ना वायर वो कट जाएंगे वो कटने पे भी बैटरी चार्ज नहीं होती है ये चीज समझना बहुत जरूरी है और एक चीज और हम क्या करेंगे एक तरीका और चेक करने का है। हम इसमें तार लगाए उसके बाद हमें क्या करना है गाड़ी के किसी भी बॉडी बीडी हेड पे दूसरा बार टच करना है चाहे ये का लाल इधर लगा दो चाहे काला उधर लगा दो कहीं भी लगा दो बॉडी में टच करना है जैसे कि ये कॉल सम्भ लो उसकी बॉडी से टच करना है ऐसा टच करना बॉडी टच करे टच करने के बाद हमने बॉडी उसको टच कर डाले एक सेकेंड मैं होल्ड करता दो ये टर्म लगे हेड हैंड में टच कर दिया हेड के अंदर उसके बाद हमने एक बार में चेक किए साउंड नहीं आया दो में चेक किए साउंड नहीं आया तीन में चेक किया साउंड नहीं आया इसका मतलब ये कोई शॉर्ट नहीं है और ये आपस में लगाने पे इसमें साउंड आ रहा है इसमें साउंड आ रहा है तीनों में साउंड आ रहा है और तीनों को हम बॉडी में लगाकर तीनों को बारी बा, बारी बारी एक एक तीनों चेक करेंगे और तीनों में साउंड नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कॉल सही है ये तरीका चेक करने का है और एक तरीका और अगर आपने जैसे कि इसमें चेक कर रहे हो एक में लगाए बॉडी में टच करे एक में नहीं आया दूसरे में आज आ गया या तीसरे में नहीं आया तीसरे में हो आ गया तो वो केस में भी ये कॉइल जला हुआ है <coughs> समझे दोस्तों ये तरीका इसे चेक करने का है एक बार मैं फिर आपको सिंपल से समझाता हूं इसको चेक करने का तरीका सबसे पहले आपको क्या करना है ये कॉल में तार से डाले और डालना तीनों चेक करना है साउंड आया साउंड आया मतलब है सही है अगर एक में भी किसी एक में इसमें या इसमें या ये वाले सॉकेट में या ये वाले सॉकेट में अगर आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये खराब हो चुका है या अंदर वार टूट चुका है एक चीज ये तरीका हो गया चेक करने का दूसरा तरीका हमने बॉडी में टच किया हेडबीट के अंदर कहीं पे बॉडी में टच करे और एक बार ये पीले में लगा है फिर दूसरे में लगा है, या तीसरे में लगाए ये किसी एक में भी अगर आवाज आ गया बॉडी में टच करने के बाद ध्यान से मेरी बात सुनना या बॉडी में लगाए हो और ये टच करने पे एक इसमें लगाए एक इसमें लगा दिए दिएमें किसी एक में भी आवाज अगर आया तो इसका मतलब है शॉर्ट हो चुका है ओके दोस्तों ये चीज आपने समझ ली है अब आते हैं बी फोर के बारे में बी फोर का भी सेम फंडा है जिस तरह बी एस सिक्स को हम चेक करते हैं इस बी फोर के भी कॉल को हम उसी तरह चेक करेंगे ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने इसके एक बार में लगा दिया इस तरह लगा दिए अब हमने चेक करे साउंड आया साउंड तीनों में साउंड आया अगर किसी एक में भी साउंड नहीं है इसका मतलब वार टूटा हुआ है या हमने इस तरह बॉडी में ऐसा टच कर करता है समझ लीजिए ये इसका हेड है दिख रहा है आपको एक ऊंचा तो करता हूं आपको वीडियो में दिखाई देता नहीं रहेगा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे एक सेकंड दोस्तों ये वीडियो दोस्तों पूरी देखना क्योंकि आप पूरी देखने पर ही सीख पाओगे किस तरह मिनट कॉल चेक करते हैं चार्जर चेक करते हैं बैटरी के बारे में समझाऊंगा बैटरी खराब अच्छी खराब कैसे पहचानेंगे इसी एक वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों में आप कभी फंसोगी नहीं कोई भी BS6 में, में। थोड़ी दोस्तों, पर बने रहना तभी आप चीजों को समझ पाओगे ये हमने, इसमें हमने इसमें लगा दिए कोई लगे जा भाई हमने ऐसे लगा दिए करीब करता हूं सुना आपको साउंड आएगा ऑफिस में एक में चेक किए साउंड आया दो में चेक किए साउंड आया अगर किसी एक में भी साउंड नहीं आया या तीनों में नहीं आया इसका मतलब इसका तार टूटा हुआ है कहीं से या कोई खराब है तो आपको खोल के चेक करना है एक चीज ये हो गई दूसरी चीज क्या हो गई है हमें ये चेक करना है क्या चेक करना मालूम है क्या अगर इसमें लगा के कि किसी एक में तीनों को लगा चेक करना था बॉडी में ठीक बॉडी से बोले बॉडी हमने बॉडी में टच की गाड़ी के केडे में फिर हमें तीनों चेक करना पहले में दूसरे में तीसरे में किसी एक में भी आवाज आवाज़ कर दिया या तीनों आवाज कर दिया उसका मतलब है 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 शॉर्ट तो ये समझने की बात है, दोनों कोयल चेक करने का तरीका या कोई भी गाड़ी हो उसको चेक करने का तरीका सेम है समझा दोस्तों ये चेक करने का जो तरीका है एकदम सेम ही सेम है देख रहे हो ये बी एस की कॉइल है ये बी एस की कॉइल है तो आप लोग इस चीज समझ समझ गए रहोगे अब चलते अपने चार्जर की ओर ये हमारा चार्जर बी एस सिक्स का चार्जर है आप देख सकते हो यह बी एस फोर का चार्जर है देख रहे हो छोटा है और यह उससे छोटा है बी एस थ्री में आता था बहुत पहले आता था इन तीनों में सबसे बेस्ट जो चार्जर अच्छा चार्जर होता है यह होता है ओल्ड वाला बहुत मस्त चलता चार्जर भाई ये और ऐसा नहीं है कि कम चार्ज करेगा बी एस सिक्स के लिए मतलब कॉयल अलग आ गई है तो ज्यादा चार्ज का ऐसा कुछ नहीं है चार्जिंग सेम ही है कुछ डिफरेंस नहीं चार्जिंग के अंदर आप ये भी लगाओगे तो एक नंबर होगा चार्ज अब इसको लगाना कैसा है हमें हमें से लगाना कैसा है है और भी जानना है कि यह खराब होगी तो उसकी पहचान क्या है और किस तरह पता करें खड़े गाड़ी में बिना इसको छुए कि गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है यह चीज हमें समझना है तो वो भी वीडियो बने रहो वही बात मैं आपको बताऊंगा मैं और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे पता है कि एट्टी परसेंट लोग खाली वीडियो देख के चले जाते क्योंकि वॉच टाइम बहुत लंबा लंबा आता है देखते है बहुत सारे लोग है पर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। तो दोस्तों अब आते अपनी चीज़ों पर हाँ हम कहाँ पे थे <laughs> बोल जाता वीजे में हम चार्जर के ऊपर थे तो जैसा कि एक तरीका ये भी होता है जैसे हमें मान लो कि ओल्ड का चार्जर लगाना है अब ओल्ड के चार्जर लगाने के लिए ये सॉकेट तो उसमें लगने वाली है नहीं एक तरीका ये लगेगी नहीं तो इस केस में क्या होता है हमने क्या करें यहां से तार काट डाले और यहां से तार काट डाले इसको इसमें लगा दिया ऐसा अटैच कर दिया इसके अंदर मान लोजे की ये ये सॉकेट को हमने एक सेकेंड ये सॉकेट को हमने काट डाले काटने के बाद में ये सॉकेट को काट के हमने इसमें ऐसे अटैच कर डाले और फिर हम इसको लगा सकते हैं और एक चीज याद रखना आप काटोगे तो वार को जोड़ोगे जोड़ने पर कभी भी तार को सोल्ड सोल्डर कर देना नहीं दे तो वरना क्या होगा एक महीने बाद दो महीने बाद आपका तार बीच से टूट जाएगा सोल्डर किससे करना है सोल्डर मशीन से करना है एक सेकेंड इस तरह का सोल्डर मशीन आता है और इसके तार भी आते हैं दोस्तों ये तार आता है तो दोस्तों आपको इसकी मदद से सोल्डर करना है ये चीजों से तो उससे टूटेगा नहीं और ये आपको कौन से केस में करना है जब कभी मान लीजिए कि आपका ये सॉकेट टूटा उटा रहे ना तो आप काट के जोड़ लेना लेकिन आपका सॉकेट फ्रेश है तो आपको किस तरह लगाना है आज वो बताऊंगा मैं आपको बड़ा सिंपल सा है उसमें भी आपको सोल्डर की जरूरत पड़ेगी सोल्डर करना है इसको रख देता था अंदर में अब देखिए जैसे कि ये आपकी मेहड कॉल की वायर हो गई बी की आपका मान लो चार्जर खराब है है ना चार्जर तो आप ये सॉकेट काट के निकाल दोगे के सॉकेट आपने निकाल दिए निकालने के बाद में वो क्या करना है बी एस थ्री का एक सॉकेट ढूंढना है सेकंड में या नया आपको मिल जाएगा देखिए ये दिख रहा है आपको ये लेना है सबसे बेस्ट तरीका और तीनों को ऐसा आपस में सोल्डर कर देना है इस तरह से एक सेकेंड आप समझ नहीं पाते रहोगे मैं क्या समझाना चाहता हूं बट कोशिश करना जैसे कि मान लो कि सॉकेट हमने काट के अलग कर दी और ये सॉकेट हमने काट के अलग कर दी जब इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसा तीनों बार को तो एक साइड यह आ जाएगा एक साइड यह आएगा जो आपकी ये जो रहेगी आपकी बी सिक्स में लग जाएगी कुछ इस तरह लग जाएगी मान लो ये लग गई बी फोर की आपकी इसमें लग जाएगी है ना ये देखिए कुछ इस तरह लग जाएगी तो आपकी ना तो ये सॉकेट खराब होगी ये वाली ना आपकी ये खराब होगी आपकी खराबी चीजें कोई रहेगी और इसको लगाने तरीका भी इसको शोल्डर करना है अब एक चीज को और समझना है जब वार काट दोगे तो तीनों वार पीला पीला है अब लगाना कैसा है ये चीज समझना जरूरी है तो अभी जो इसके अंदर जो बीच में जो तार रहेगा बीच में वो तार आपको क्या करना है ये जो सबसे अलग है ना ये इसमें लगाना है इसके अपोजिट में एक ना एक राइट वाला है वो ये साइड लगा देना और एक लेफ्ट वाला ये साइड लगा देना जो बीच वाला रहेगा आप यहां लगा दोगे इसका राइट इसका जो है राइट वाला वो आप यहां पे लगा दोगे सॉरी so, ये लेफ्ट वाला, वाला यहां लगा दोगे और राइट वाला यहां लगा दोगे ओके दोस्तों लेकिन कभी बाई मिस्टिक से हमको समझ में नहीं आया हमने कोई तार जो बीच का लगाना वो साइड में लगा दिए जैसे कि ये बीच का मैं बीच में मैंने बोला आपने बीच के बदला यहां बाजू में लगा दिए या इसके बदले यहां पे लगा दिए तो क्या बैटरी चार्ज नहीं करेगी आपका कॉल जल जाएगा तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है आपकी गाड़ी चार्ज ही करेगी आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको इस कॉल के अंदर होता है अट्ठारह कॉल होती है कितनी कॉल होती है अठारह और एक कॉल के अंदर एक वायर के अंदर छल होती है और वो जाएगा इस चार्जर के अंदर ही जाएगा जाने के बाद आगे पीछे जो भी करंट हो चाहे सिक्यू अट्ठारह है तो सेम ही करंट तीनों में आएगा अगर अट्ठारह वोल्टेज मतलब अट्ठारह कॉय है और एक तार में छे छे कॉय है तीनों में सेम ज्यादा कम नहीं आएगा तो अगर आगे पीछे लगा भी दिए इसके अंदर आगे पीछे कोई टेंशन नहीं बरबर में, में।, में, में भी डायबर्ट है पता है और कुछ बी एस फोर में डायबर्ट नहीं है और ओल्ड में भी डायवर्ट नहीं है देख रहे हो डायबोर्ट नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है इससे कोई टेंशन नहीं है अगर आप ये यहाँ से ऐसा के भी ये लाल लाल कालो काट के फेंक भी दोगे ना कोई फर्क पड़ता नहीं आपकी गाड़ी चार्ज करेगी बेशक बेफिक्रे ना एक नंबर चार्ज करी बे मतलब सही से चार्ज करे टेंशन नहीं लेना उससे कोई मतलब नहीं है अगर आप सोचोगे ना बी एस सिक्स में मेरा ये लगेला भाई तो ही मेरी गाड़ी चार्ज होगी हम ये लगाएंगे तो चार्ज नहीं होगी तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों चार्ज आपकी गाड़ी होगी और उसके बाद में ये वाला जो वायर होता है लाल वाला ये हमारे कॉयल का ए पावर लेकर इसके अंदर आता है एसी पावर और डीसी में कन्वर्ट होता है और इसके थ्रू बाहर आता है अब जब ये जब करंट बाहर आएगा इसको जाना है कहाँ बैटरी के अंदर और ये तार तो लगाना जरूर दोस्तों ये अर्थिंग है चार्जर इसको लगाना जरूर है इसको भूलना नहीं इसको लगाना जरूरी है कंपोसर इसको लगा देना अब आते हैं लाल वाले वायर पे ये डायरेक्ट कहाँ जाता है कुछ गाड़ियों में ज्यादातर गाड़ियों में आगे जाता है एक इसकी फ्यूज की डब्बी होती है उसके आते बैटरी में लगता है उसके बाद में बट आप डायरेक्ट इसको बैटरी में भी लगा सकते हो लाल वाले वायर में तो भी आपकी चार्ज करेगी या तो फिर आप एक क्या कर सकते हो उसको पीछे कुछ गाड़े बच्चा से पीछे दिया हुआ है आप इसको पीछे भी लगा सकते हो तो भी आपका एक नंबर काम करेगा ओके दोस्तों तो आप लोग ये समझ चुके हो अब आते हम मल्टीमीटर के ऊपर अब ये तरीका आपको समझाते किस तरह चेक करने का है और एक तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर मल्टीमीटर नहीं रहा तो किस तरह चेक करने का है वो चीजें बताऊंगा मैं आपको तो किस तरह उसे चेक करना है वो तो चेक करने का तरीका है, कुछ इस तरह से है कि पहले मुझे एक तार ढूंढना पड़ेगा यार एक तार ढूंढ के मैं लाता हूं आपको मैं क्या करना है एक सेकंड होल्ड करो आप तो दोस्तों एक तार लेना आपको तार तार लेने के बाद में क्या करना है आपको ये तार को ना आपकी गाड़ी के कोई मेन वार में लगा देना है चाहे बच्चा सूच में कहीं पे भी लगाना कि इसमें मेन पावर आना चाहिए ये बी एस सिक्स हो अच्छा बी एस फोर हो कोई भी गाड़ी हो उसको चेक करने के लिए यह आपका तार होना जरूरी है मान लीजिए आपने इसको बच्चा स्विच में या कहीं पे लगा दिए इसमें करंट आ रहा है फिर आपको करना क्या है करंट आने के बाद आपको इसमें करंट आएगा बंद गाड़ी में भी आप चेक कर सकते हो इसमें टच करें इसमें टच करें ये देखिए किस तरह टच करना है ऐसा टच करें और ऐसा टच करें ये देखिए अपने इसमें टच करे और इसमें टच करे ये वाले में और ये वाले में अगर इसमें मेन पावर आ रही है और आपने तीनों में ही टच करे अगर शॉर्ट होगा बंद गाड़ी में भी चेक कर सकते हो अगर शॉर्ट हुआ चिंगारे इसका मतलब है कॉल जला हुआ है अब इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई वार टूटा है टूटा है वो कैसा जाने अब उसके अलावा क्या करना है गाड़ी को स्टार्ट करना है चालू करने के बाद में आपको एक बार किसी भी साइड में चाहे बीच में कहीं भी लगा दिए फिर आपको दूसरा तार लेके इसके अंदर टच करना है इसके अंदर टच करना है अगर तीनों में शॉर्ट आया तो मतलब काम कर रहा है और किसी एक में शॉर्ट नहीं आया तो मतलब ये वार टूटा है और इसमें अगर शॉर्ट तीनों में आ रहा है और इसमें लगा बॉडी में टच करोगे तो चिंगारी नहीं आनी चाहिए अगर बॉडी में लगाने पर चिंगारी आ गई तो मतलब ये शॉर्ट हो गया है एक तरीका ये भी है अब आते हम अपनी दूसरे पड़ाव की ओर कुछ चीज हमें समझना है अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों बोलना मैं फिर आपको समझाऊंगा चीज जैसे कि मल्टीमीटर है मल्टीमीटर में क्या करना है मालूम है क्या 200 है ना ये 200 पे नहीं 20 पे रखना 20 पे रखना 20 में 20 पे रखना रीजन बता मतलब बीस पे क्यों रखना ये चीज बता मैं आपको बताता हूं मैं आपको अब कंफ्यूज ना हो जाए ये देखिए, दिख रहा है आपको ये हमने लगा दिए इसमें वोल्टेज क्या दिखा रहा है बारह दिखा रहा है बारह ओके बारह चार दिखा रहा है लेकिन हम इसको जब बीस पे कर देंगे कुछ इस तरह से तो जरा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्या दिखाएगा माले में क्या ये सिर्फ एक सौ पच्चीस दिखाएगा तो वो जरा वो समझ में आएगा ना किस तरह चार्ज हो रही है किस तरह नहीं हो रही है कितना पावर चार्ज हो रहा है वो चेक करने के लिए कभी भी ये चीज को आप बीस पे ही रखना बीस पे रखने के बाद में आपको क्या करना है खड़े गाड़ी में चेक तरीका बता रहा मैं आपको आपकी गाड़ी में सी बैटरी रहेगी आपने इसको प्लस पे लगा दिया ऐसा ऐसा अगर आपने इसको उल्टा भी लगा दिया दोस्तों तो कोई हरज नहीं है बस ऐसा उल्टा लगाने पे क्या होगा एक माइनस का निशान आएगा आपके साथ देखो, देखो, देखना भी इसमें एक माइनस का निशान आएगा ये उल्टा मैंने लगाया आप देख रहे हो वन के बाजू में एक सेकेंड ना क्या ये लगाया मैं इसको पकड़ा ऐसा ये वन के बाजू में माइनस का निशान है उल्टा लगाने पर यह चीज होता है तो उसको हम सीधा लगा लेते हैं वो चीज चली जाएगी ये हमने लगा लिया दोस्तों अब देखो माइनस चले गया ये तरीका चेक करने का है ओके दोस्तों आपको दिख रहा है ये क्या नाम फ्रंट कैमरे से बना बनाए आपको समझ में शायद नहीं आएगा ये इक्यावनी बारह है और ये पचास है ये उल्टा करता था समझ में उल्टा है ये दोस्तों फ्रंट कैमरे में यही चीज होता है देखो उल्टा है को आपको समझ में आया ये बारह बीस है आपको मुंह से बता रहा हूं मैं क्योंकि रियल कैमरे से कह सही बताएगा ये फ्रंट कैमरा ऐसे ही होता है सामने से मुझे सही दिख रहा और मुझे उसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है तो वो जो पहला वाला है वो बारह वो एक है उसके बाजू वाला पाँच नहीं वो दो है उसके लास्ट वाला भी पाँच है जीरो है तो बारह पॉइंट है अब चीज समझिए अगर आपकी बैटरी का पावर साढ़े बारह है आपने गाड़ी की लाइट बंद में आपने गाड़ी स्टार्ट के रेस की तो ये पावर को बढ़ना चाहिए ये बढ़ के कितने जाएगा दोस्तों मालूम है क्या अगर मान लो कि ये साढ़े बारह बैटरी का पावर है वो तेरह हो गया साढ़े तेरह हो गया चलेगा चौदह हो गया चलेगा साढ़े चौदह हो गया तो चलेगा अगर चौदह साठ भी हो तो भी चला लेकिन गलती से अगर पंद्रह पहुंच गया सोलह पहुंच गया तो समझ लेना आपकी बैटरी का पूरा पानी सूख जाएगा बैटरी फूल जाएगी और बैटरी फट भी जाएगी ये होता क्यों नब्बे टका ये ओवर चार्ज करने पे ही नंबर बढ़ता है इसका ओवर चार्ज करने पे ही जब भी आपका पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस पहुंचे चार्जिंग तो समझ जाना पड़ा खराब जो स्टार्टिंग में आप बारह रहेगा ना बारह ही चलेगा बारह बारह चलेगा तेरह चलेगा चौदह चलेगा इसके पीछे बीस तीस चालीस सब चलेगा लेकिन गलती से अगर ये पंद्रह हो गया तो उस टाइम का काम है चार चेक करना क्योंकि क्या होगा पानी सुखा देगा गैस बनेगा बैटरी खराब हो जाएगी और दूसरी चीज लाइट चालू करने पे अगर मान लो कि आपकी बैटरी का पावर है कितना बारह है आपने चालू के रेस के चौदह पहुंच गया साढ़े चौदह पहुंच गया और लाइट चालू करने के बाद वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा एटलीस्ट अगर तेरह पे भी आगे रुक गया तो भी चलेगा वांदा नहीं कोई बात नहीं चल जाएगा लेकिन अगर वो तेरा से भी नीचे गिरे आपकी बैटरी का पावर है बारह अगर उतना लेवल तक आ गया उसके बाद भी एक पॉइंट दो पॉइंट नीचे गिरा तो उस टाइम सोचना समझ जाना कि आपका एक कॉल खराब है चाहे बी एस थ्री की रहे चाहे बी एस सिक्स रहे चाहे बी एस फोर है समझ जाना आपकी कॉइल खराब है ये चीज क्लियर हो गई है अब आते हैं बैटरी के ऊपर फाइनल ये जो बैटरी है अगर मान लो कि आपकी दिन में गाड़ी सही चल रही है रात को भी सही चल रही है बरोबर चल रही है रात में आपने गाड़ी खड़ी कर दी है और जब आप सुबह आते हो सेल्फ मारते हो सेल्फ लेती ही नहीं है या एक दो सेल्फ में गाड़ी चालू हो गई तो हो गए तो चालू ही नहीं हुई फिर आप धक्का मारे स्टार्ट किए चला मस्त बैटरी चल गई फिर स्टार्ट होने लग गई जहां आपकी छह घंटा सात घंटा बैटरी खड़ी रही बैटरी फिर आपकी डाउन हो गई तो ये केस में समझ जाना बैटरी खराब है लेकिन अगर रात को आप गाड़ी चला रहे हो और लाइट चालू करने के बाद आपने गाड़ी की लाइट चालू करे सात बजे और आठ बजे बैठी उतरेगी आपकी गाड़ी की आपने कही गाड़ी बंद करे सेल्फ नहीं ली तो वो केस में ये कॉल का फोल्ड रहेगा ओके वो केस में एक कॉल का फोल्ड रहेगा लेकिन अगर आपकी गाड़ी रात को चली बारह तक का आपने खड़ी की है और फिर सेल्फ मारे स्टार्ट हो गई सेल्फ मारे स्टार्ट हो गई और खड़ी करके आप घर पे चले गए सुबह में आए सेल्फ मारे उस टाइम सेल्फ नहीं लेगी तो वो बैटरी का फोल्ड रहेगा समझे दोस्तों ये तरीका है इसको चेक करने का बेटी तरीका और एक तरीका और भी है ये ढक्कन खोल के थोड़ा बेटी का पावर कम रहा है इसमें एक पाना ऐसा लगा एक पाना, लग, एक पाना लगा पाना तो लगा है कोई मोटा वार में टच करे इसके अंदर ऐसा ढक्कन खोल के इसमें कोई सेल खोलेगा सेल खोले, उबाल उबालय पानी में से तो भी समझ जाना है, बेटी का वो प्लेट खराब है बेटी चेंज करनी पड़ेगी और या तो फिर अगर आपके पास ऐसी मशीन आएगी हमारे पास तो मशीन है कई बार क्या होता है बैटरी या स्टार्टर खोलते हैं हम ना कि स्टार्टर का, का काम करते हैं बैटरी दिखा दी चार्ज है आपको दिखाता मैं स्पार्क करके यार कहाँ चले गया यार ये देखिए वायर मिलाइए ऐसा आप लोगे ना वायर ऐसा लगाया अपने ऐसा और ये देखिए आप इसमें तरह करंट आ रहा है ये देखिए देखिए तो वैसा आपको लगेगा बैटरी तो मेरी चार्ज है मीटर से दिखा रही है बारह फुल चार्ज बता रही है वहां से भी शॉर्ट हो रही है सर हमारा सेल्फ खराब रहेगा कुछ और रहेगा तो एक तरीका सबसे बेस्ट तरीका है वो होता है इस तरह की मशीन आती है अब ये जो मशीन आती है इसको लगाना कैसा है ये देखिए इसको अपने काले वाले को लगा दिए माइनस में इस तरह लगा दिए और इसको आपने इसको लगा दिए प्लस में लगा दिए ये देखे दोस्तों अब इसमें जो पावर आ रहा है ये बारह उन्नीस दिखा रहा है मतलब बैटरी चार्ज है अब मैं जब लोड मारूंगा ना इसको दस तक रहना चाहिए साढ़े दस रहेगा ग्यारह रहेगा दस पंद्रह रहेगा यहाँ पे दस रहेगा यहां जो रहेगा ये बाजू में पंद्रह रहेगा बीस रहेगा तो भी मतलब की बैटरी सही लेकिन अगर नौ के नीचे चले गया अगर नौ अस्सी भी दिखा तो मतलब आपकी बैटरी चल जाएगी लेकिन अगर आठ दिखा दिया सात दिखा इसका मतलब आपकी बैटरी खराब है तो लोड मारते देखिए देखिए आठ बता रहा है आठ सात सात चौवालीस सात पैंतीस सात सोलह दिखा के ऑफिस बढ़ते जा रहा है देखो ग्यारह से बढ़ते जा रहा है अभी आपने देखे मीटर से फुल दिखाया है ना सब कुछ सही दिखाया और लोड मारे इसके हमने मशीन से तो ये ढूस हो गई तो एक तरीका ये भी है बैटरी चेक करने का और एक मशीन और आती है वो जरा थोड़ा कभी मशीन हुआ है आपको दिखाऊंगा वो हमारे अनु भाई लेके जाते हैं चेक करने के लिए वो मशीन एक नंबर है ये वाले मशीन से आप कैसा होता है ना जो आपकी रेक्सी की बैटरी होती है ना ये बत्तीस वोल्टेज की बैटरी ये बैटरी से लेके जैसे कि बत्तीस की आती है तो चालीस की चौवालीस की पचास की पचहत्तर की अस्सी की नाइन्टी फाइव की सौ की बैटरी डेढ़ सौ की बैटरी ये बैटरी का पावर होता है जैसे कि आप बत्तीस का पावर था इसका जो बैटरी पावर होता है जैसे कि ये बैटरी अब इसका आप देखोगे ना इसका चौंतीस एम पावर है ये चौतीस की बैटरी है पर ये बारह चौंतीस है इसी तरह बारह चौवालीस आती है बारह साठ आती है बारह पैंसठ बारह सत्तर सौ तो सौ तक देड़, की बैटरी एक सौ बीस डेढ़ सौ की बैटरी आपसे चेक कर सकते हो इक्कीस की कैपेसिटी है आराम से चेक कर लेगी पर सोचोगे मैं चार एम की बैटरी चेक कर लूँ पांच एम बैटरी चेक कर इससे चेक नहीं कर पाओगे उसका लोड ज्यादा है बैटरी की हवा निकल जाएगी खोटी गल जाएगी उसकी तो उसकी एक मशीन आती है कभी नेक्स्ट में दिखाऊंगा मशीन एक नंबर है उससे आप चाहे चार एम की बैटरी पांच की छः की उसके बाद में आप चाहे तो छब्बीस की बाईस की बत्तीस की चौवालीस की सौ की डेढ़ सौ की दो सौ की जितना हाई रेंज है सब आपसे चेक कर सकते हैं उसमें कहीं सेट करना पड़ता है बैटरी पर देखिए चौपना चौपना कितना चौंतीस की है चौंतीस लगा दिए चेक कर लिए तो वो चेक का तरीका एक वो हो गया दोस्तों तो आई आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे कि किस तरह क्या क्या करना है समझ रहे आप तो ये चीज अब क्लियर हो जाएगा कि बी एस सिक्स के अंदर कोई भी दोस्तों चार्जर लग सकता है बी एस फोर का भी लग सकता है बी एस थ्री का भी लग सकता है एक लंबे तार का भी आता है बी एस फोर में बी एस थ्री में एक लंबे तार का भी आता है कुछ लोग का मानो पीछे रहता है कॉर्पेट पीछे आता है उसका लंबा आता है और जिसका सामने होता है उसका छोटा सा वार आता है तो दोस्तों हम किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं इस चीज को ये चीज आपको समझ में आ चुकी रहेगी समझे दोस्तों इतना इजी है इस चीज़ को समझना इसमें ना तो किसी ओ की जरूरत पड़ती है ना ही किसी केबल की जरूरत पड़ती कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती नहीं दोस्तों ओके okay दोस्तों और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों हमारी चैनल को लाइक करें सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे शेयर करिए और धीरे धीरे ना मैं कुछ ऐसी ऐसी नॉलेज वाली वीडियो भी लाऊंगा जिससे आपको कुछ समझ में भी आए क्योंकि हो सकता है मेरी आवाज़ आपको कम आती रहेगी ना तो उसका भी कुछ मैं कुछ करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको साफ साफ क्लियर सुनाई दे अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी तभी आपको कुछ समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ और जिस भाई को अगर समझ में नहीं आ रहेगा तो बाकायदा नेक्स्ट टाइम मैं चालू गाड़ी के अंदर आपको दिखाऊंगा ये सामने लाने का मसला क्या था यही चीज था चेक करने का और एक चीज और बताता मैं आपको रुके रहा एक सेकंड में आया दोस्तों मैं आ चुका हूं कहीं गया नहीं पर पाई हो बेफिक्र कहीं गया नहीं हूं मैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में चार्ज होने के लिए सिर्फ चार चीजों की जरूरत पड़ती है चार चीजों की ये सिर्फ चार चीज से आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है कोई वायरिंग कोई कॉइल कोई चीज का फंडा नहीं है पहला तो समझ लीजिए आपका ये कॉइल चाहे बी हो बीएस हो ये कॉल चाहिए ये कॉल से करंट पैदा होता है ये चीज जान लीजिए हाँ ये खराब गाड़ी चार्ज नहीं होगी अब उसके बाद में आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं ये देख रहे हो आप ये क्या है ये रोटर है ओके ये रोटर है जब भी आप खोलो गाड़ी ना तो इसको कभी भी अंदर पेट्रोल से मत धोना पेट्रोल घासट से मत धोना क्योंकि अगर आप धोगे ना तो हो सकता है ऐसा हमारे हाथ में कई बार हुआ है कि सौ गाड़ी पकड़ लो सौ गाड़ी में दो गाड़ी में फोड़ आता है हम पहले बहुत खोलते थे गाड़ी का तो हम हर बार धोते थे इसको तो जब जब धोए तब तक ना कुछ गाड़ी में ये फोड़ आता ना कि गाड़ी की बैटरी चार्ज ही नहीं होती थी करंट बनता ही नहीं था ऐसा केस कभी आएगा तो वो केस में इसको चेंज करना पड़ता था हमें क्योंकि इसका पावर आप चेक नहीं कर सकते हो लगाओगे तो चुमक खींचेगा और सब कुछ बराबर होगा तो आप लोग समझ गए रहेंगे बैटरी चार्ज करने के लिए पहली चीज़ है ये कॉइल इसका किस तरह काम होता मैंने आपको बता दिया हूँ उसके बाद में एक चीज़ आती है ये जो इसको कभी भी आप डीजल पेट्रोल से मत धोना एक बार डीजल चल जाएगा पर घास पेट्रोल कभी धोना नहीं कि उसका पावर कम हो जाता है जिससे गाड़ी की चार्जिंग स्लो जाती है कभी ऐसा केस आया ना कि आपने ये कॉयल डाल दिए नया चार्जर नया डाल दिए बैटरी नया डाल दिए और जो मैंने बताया ना आपको एक चार्जर का आपने डायरेक्ट बैटरी में लगा डाले और तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो एक बार ये चेक करना सौ गाड़ी में या दो गाड़ी में इसका फोल्ड आता है तो ये चार्ज होने के लिए एक चीज ये हो गई इससे बैटरी चार्ज होती है एक मेन ये चीज़ हो गई चार्जिंग के लिए एक ये चार्जर हो गया एक ये बैटरी हो गई तो ये चार चीज से ही बैटरी चार्ज होती है बाकी कोई चीज़ का मसला नहीं है कोई फंडा नहीं है बहुत सिंपल सी चीज़ है अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मिलते भी हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और कमेंट करना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए मिलते नेक्स्ट में तब तक के लिए बाय